मियां बीवी और गृहस्थी योगी जी कैसे अपनी मिसेस के साथ लड़ा रहे हैं रोमांस, शादी के बाद बैचलर्स की लाइफ कैसे बदलती है, इसका उदाहरण है मुदित नय्यर यानी सीरियल इशारों इशारों में के योगी, जिनकी जिंदगी शादी के बाद बहुत बदल गई है। और आज ऐसा ही एक गृहस्थी वाला डे आउट हम मुदित के साथ कर रहे हैं। जानेंगे कि शादी के बाद मुदित की लाइफ कितनी बदल गई है, कैसे सुबह सुबह वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करते हैं, किचन में लड़ाते हैं रोमांस, डिसिप्लिन हो गई है उनकी लाइफ लेकिन अभी भी नहीं बदले हैं उनके संस्कार, सुबह सुबह कैसे वो तैयार होकर जाते हैं अपने सीरियल के सेट पर, कैसे घर से सेट तक के दौरान अपनी वाइफ अपनी फैमिली को याद करते हैं और सेट पर जाकर अपने ऑन स्क्रीन परिवार के साथ करते हैं धमाल। भाई मुदित के साथ हम पहले डे आउट कर चुके हैं लेकिन इस बार हम उनके साथ कर रहे हैं गृहस्थी वाला डे आउट, क्योंकि हाल ही में उनकी शादी हुई है अपराजिता के साथ, तो इसलिए एक बार फिर से उनकी लाइफ का नया नजारा देखने के लिए हम सुबह सुबह मुदित के घर पहुंचे, बजाए उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। अरे भाई मुदित तो चादर तान के सो रहे हैं, उनकी वाइफ ने उन्हें जगाया और वो हमें देखकर हो गए हैरान। क्योंकि आज सुबह सुबह सास बहू और बेटिया की टीम मेरे घर पे है तो ऑब्वियसली ये जो सुबह है ये खास भी है और अलग भी है, तो थैंक यू आज मुझे उठाने के लिए। मुदित की लाइफ का रूटीन होता है वाइफ के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, दोनों मियां बीवी थोड़ा सा रोमांस फरमाते हैं, बालकनी पर सुबह के नज़ारे देखते हैं और फिर किचन में बनाते हैं कॉफी, यानी कॉफी पर होता है रोमांस और मियां बीवी की थोड़ी सी नोक झोंक। एक वो कॉफ़ी हमने शुरू करी थी जो अपनी एक रिचुअल शुरू किया था और अभी हमने रोज सुबह मॉर्निंग कॉफी का रिचुअल शुरू कर दिया है। मुदित और अपराजिता की शादी पिछले साल हुई थी, तो जानते हैं इन दोनों की लव स्टोरी कि आखिर कहाँ मुदित को मिल गई एक लॉयर अपराजिता। ये एक्चुअली अपने कॉलेज के कॉन्वोकेशन के लिए यहाँ पे आई हुई थी और इनका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है, शी इज़ अ लॉयर बाय द वे, तो उसी के दौरान हम लोग मिले और हम लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया नेटवर्क पर ऐड किया, धीरे धीरे बातें होने लगीं, तो फिर ये वापस पुणे चली गई। फिर जब नेक्स्ट टाइम आई तो हमने कहा कॉफ़ी पे मिलते हैं और कॉफ़ी धीरे धीरे करते करते अच्छी दोस्ती हो गई और फिर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी। और चार पाँच महीने से जब मैं इनको जानने लगा था तो मेरे को अंदर से ये कन्फर्म हो गया था कि इनसे शादी करनी है इवेंचुअली, सो शी इज़ द वन आई न्यू विद इन, शुरू के 6 महीनों में मुझे पता लग गया था, तो हमारी शादी को पूरा 1.5 साल हो गया है। अब वक्त है तैयार होने का, मुदित तो नहाने चले गए लेकिन अपराजिता बना रही है मुदित के लिए ब्रेकफास्ट। जब ये मूड में होती है कमाल खाना बनता है, और अगर मूड नहीं हो जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर लो बना देगी, लेकिन एकदम थैंक्स। आई मेड स्क्रैम्बल्ड एग फॉर हिम, एज अ कुक नहीं आया था आज हमारे को, तो क्विकली आई जस्ट मेड स्क्रैम्बल्ड एग। भाई ब्रेकफास्ट रेडी है और दोनों मियां बीवी देखिए कैसे रोमांस करते करते ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह अगर मैं टाइम से उठ जाऊँ तो सब स्मूथली हो जाता है, लेकिन अगर लेट हो जाऊँ तो भागा दौड़ी में सारे काम होते हैं, तो
आज भागा दौड़ी वाला चल रहा है सीन। पैन वाज़न रेडी, नथिंग वाज़ रेडी। बहुत अच्छा बना, थैंक यू। वैसे मुझे सबसे पहले उठते ही भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद तैयार हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने सेट के लिए। वैसे शादी के बाद उनका घर का अंदाज भी थोड़ा सा बदल गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भागने की बहुत कोशिश करी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिविंग एरिया में आप देख ही चुके हैं, मंदिर है, भगवान जी हैं, ये मेरा बेडरूम है, दिस इज़ वेयर आई रेस्ट, वेयर आई स्लीप। ये मेरा फेवरेट रूम है क्योंकि मुझे सोना बहुत पसंद है और यहीं पे सारा वर्क, एक दिन के बाद जो सारी एक रिलैक्स मोड होता है वो यहीं पे खुलता है सारा। ये एक स्पेयर रूम है घर में, कभी अगर मेरा भाई आता है या मम्मी पापा आते हैं। गेस्ट रूम। आप लोग जब लास्ट टाइम आए थे तब भी इस मसाज चेयर के बारे में बात हुई थी, पिछली बार तक ये मसाज चेयर थी, अभी हम इसको अपने धुले हुए कपड़े रखने के काम में यूज़ करते हैं। कपड़े सूखते हैं इस पर? कपड़े सूखते हैं और जो भी हमारे घर का सारा फालतू सामान होता है जो आपके आने से पहले हमने साफ़ किया वो यहीं पड़ा रहता है। बहुत प्यार से और मेहनत से सजाया है। ये जो लाइटें हैं स्पेशली, ये मैंने अपनी वाइफ के बर्थडे से एक दिन पहले लगाई थी। उनको मैंने बोला ज़रा बाहर जाओ किसी काम से, तो उनको कोई आइडिया नहीं था। जब वापस आई तो मैंने यहाँ पूरा लाइटें पिक्चर्स और बलून्स के साथ करा था, तो ये लाइटें तब से अच्छी लग रही हैं तो उतारी नहीं। और बस यही है सब, हमारा छोटा सा आशियाना जिसको बड़े प्यार से हमने बनाया है हॉलीवुड में अपने ग्रेट योगदान के लिए। ये मेरा ऑस्कर है। इस बार मुझे यहाँ इंडिया में भास्कर मिलने वाला है। भाई अब वक्त हो गया सेट पर जाने का, इसलिए मुदित ने जल्दी अपनी वाइफ को कहा गुड बाय और निकल पड़े सेट की ओर। तो आइए चलते हैं मीरा रोड जहाँ पे हमारा सेट है इशारों इशारों में शो का। आइए। मुदित रहते हैं अंधेरी में और इनका सेट है मीरा रोड में। जाने में लगते हैं पूरे 40 मिनट और ये लंबा रास्ता वो खुद ही गाड़ी चलाकर तय करते हैं। आज सास बहु बेटियां इनके सफर में हम सफर बन गया है। मुंबई के ट्रैफिक को चीरते हुए मुदित अपने बाकी के काम गाड़ी में निपटाते हैं, जिनमें सबसे पहले होता है अपनी मम्मी और पापा को इलाहाबाद फोन लगाना। पापा आप लोग कैमरे पे हो? हाँ। ये जो आपको जूनियर कबीर सिंह दिख रहे हैं, ये मेरा भाई है। ये 3-4 दिन में बॉम्बे आ रहा है मेरे पास, सो मजा आएगा। यस। हाय मॉम। हाय आंटी। मेरे घर वाले बहुत जल्दी उठ जाते हैं, सुबह 5:30 बजे, और उनका तभी से शुरू हो जाता है। अब हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। एक्चुअली पूरे रास्ते बात होती है, पर म्यूज़िक का मेरा ऐसा है कि बहुत मूड पे डिपेंड करता है। कभी मैं बहुत पुराना कोई जैज लगा लेता हूँ, कभी बहुत ज़्यादा अगर अच्छे मूड में हो, फायर्ड अप मूड में हो, तो थोड़ा रॉक चलता रहता है, अदरवाइज कभी कभार रेडियो भी सुन लेते हैं। इसके बाद इनकी वाइफ का फोन आता है और देखिए न्यूली वेड्स अभी भी कैसे रोमांस लड़ाते हैं। अजीब रास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब रास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रहे कर।
लंबा सफर कट गया और हम पहुंच गए मीरा रोड यानी सीरियल इशारों इशारों में का सेट। चलते हैं मुदित के साथ उनके सेट पर जो उनका दूसरा घर है जहां वो बन जाएंगे मुदित से योगी। तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं और जनरली मैं अपना मेकअप खुद ही करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। भाई मुदित से योगी बनने के लिए थोड़ा बहुत मेकअप, कॉस्ट्यूम चेंज और मुदित बन जाते हैं झट से योगी। सो एज यू कैन सी मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ योगी के रूप में और मेरा बुलावा आ चुका है, तो आइए सेट पे चलते हैं और आपको सबसे मिलवाता हूँ। वैसे इनकी पर्दे की ऑन स्क्रीन बहन इनकी बेस्ट फ्रेंड है और दोनों भाई बहन देखिए कैसे मस्ती करते हैं। अब वक्त है शूटिंग का, तो आज योगी की फैमिली थोड़ी टेंशन में है क्योंकि एक फैमिली सीन फिल्माया जा रहा है। शूटिंग के बाद वक्त है लंच का और देखिए मुदित की ऑन स्क्रीन फैमिली कैसे एक साथ बैठ के लंच करती है। हमारे सेट में दो लोग हैं जो बहुत स्ट्रिक्टली कीटो डाइट को फॉलो करते हैं, एक मैं हूं और एक दूसरा सुलभा जी हैं। लेकिन और वो मेरे लिए भी कीटो का जो खा सकते हैं खाना वो मेरे लिए भी लाती हैं, सो शी इज़ वेरी स्वीट। लेकिन अभी हम दोनों ब्रेक पे हैं तो आज कल थोड़ा चीटिंग डेज चल रहे हैं। बहुत दिनों बाद आई एम गेटिंग बैक टू अ प्रॉपर रूटीन, सो क्योंकि थोड़ा सा लाइन लेंथ खराब होने लग गई थी, नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट बैक इन शेप। शूटिंग के बाद थोड़ी और मस्ती और उसके बाद वक्त है सास बहू और बेटिया के जाने का। सुबह आप लोगों ने अपनी कैमरे की लाइट से मुझे जगाया, बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद आपने मेरे को कॉफ़ी पीते हुए देखा, मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया, मेरे साथ मेरी कार में यहाँ तक आए, सारा हमारी रीडिंग करी, सारा दिन हमारे साथ शूटिंग पे थे, तो बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने एक भाई बहन सेगमेंट भी किया छोटा सा, सो इट वॉज ऑल फन। और अभी फाइनली पैकअप हो गया है, सो हमारा आज का दिन खत्म हुआ, बट आई हैड अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। तो भाई मुदित नायर के साथ ये गृहस्थी वाला डे आउट देखकर आपको पता चला होगा कि एक बैचलर की जिंदगी कितनी बदल जाती है जब उनकी शादी हो जाती है। बहुत मजा आ रहा है, लाइफ ने बहुत अच्छा है खूबसूरत टर्न लिया है और आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ राइट नाउ। आप सब भी शादी कर लो बहुत जल्दी, जिनकी हो गई है ठीक है भाई, जिनकी नहीं है वो भी कर लो, बहुत अच्छा है, बहुत लाइफ अच्छी हो जाती है। भाई मुदित एकदम सही कह रहे हैं, शादी के बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। भाई मुदित यानी योगी ने रियल लाइफ में शादी तो रचा ली लेकिन रियल लाइफ में भी इनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं गुंजन के साथ, जो पर्दे पर जल्द शुरू करेंगे अपना गृहस्थ जीवन। इशारों इशारों में होगी इनकी दुल्हनिया से बात, जिसको लेकर खुद गुंजन भी बेहद एक्साइटेड है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑफकोर्स मेहंदी लगाना हर लड़की को पसंद है एंड स्टेप बाय स्टेप अब वी आर गेटिंग क्लोज टू मैरिज और योगी से वीडियो कॉल पे बात हो जाती है तो और भी हैप्पीनेस है। मैंने उसका नाम लिखा है अपने हाथों पे, उसने मेरा नाम लिखा है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। देखिए आगे तो पता नहीं क्योंकि मैं गुंजन का बहुत बड़ा ही दीवाना हूँ एज यू ऑलरेडी सीन, तो उसके आने के बाद जो गुंजन बोलेगी वही होगा। तो भैया योगी अपनी दुल्हनिया का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार और साथ ही इनके फैंस को है बैंड बाजा और बारात का इंतजार, जब गुंजन आएंगी योगी की दुल्हनिया बनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने। मुंबई से श्रुति बजाजिया के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ आज का दिन होता है खत्म, थैंक यू सो मच, बाय सास बहू और बेटियां।